रोड पर मारपीट के बाद चांदनगर में युवकों के दो गुटों में हुआ हंगामा, पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 8 अप्रैल रात 12 बजे के आसपास कौसा नूरानी रेस्टोरेंट परिसर में, जहां आगे समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी है, ये पूरे परिसर में मेहरान और मोहम्मद ये दो भाई हैं और इनका अन्य कुछ युवकों के साथ जिम में कुछ विवाद हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। जिम का विवाद सड़क पर आया, सड़क पर सामने वाले युवकों ने, जिसमें अमान, अफान, रईस ये सब नाम बताए जा रहे हैं, तो इन लोगों द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेहरान और मोहम्मद की यहाँ पिटाई की गई। ये पिटाई जो है वहां से गुजरते हुए मेहरान के कुछ दोस्तों ने देखी, वो लोग रुक गए। तब तक मारपीट करने वाले ये युवक भाग चुके थे। पता चला ये युवक चांदनगर परिसर के हैं। उसके बाद चांदनगर परिसर में ये लोग गए, वहां से भी लोग इकट्ठा हुए। किस तरीके से रमजान के महीने में, इबादतों का महीना है, दोनों गुट के युवक मुस्लिम हैं, और रमजान में किस तरीके से फिर यहां पर हंगामा हुआ है चांदनगर में। अंत में जब पुलिस पहुंची है तो उसके बाद पूरा मामला शांत हुआ और यहां से भीड़ हटी है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मारपीट में सबसे पहले सड़क पर जो मारपीट हुई थी उसमें घायल होने वाले मेहरान ने मुमरा पुलिस स्टेशन जाकर MLC ली है और मेडिकल के बाद वो अपनी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया करने वाला है। भाई गलत है, मेरी फैमिली
फिर मैंने उसको बुला के दोनों को सामने बैठा के बात करा कि मतलब क्यों ऐसा बात करने का तो अखबार ऐसा खड़ा हुआ तो मोहम्मद जो था ना सामने वाला तो उसने को सीने पे डायरेक्ट लात मार दिया और सीने पे डायरेक्ट लात मार दिया लात मार के फिर अम्मा चले गए अभी तुमको क्या कंप्लेंट हम लोग करने हैं नहीं मेरे को कुछ नहीं करने का मुझे नहीं वो तो मेरे को पूरी फौज लाए मारने के लिए उसने मुझे छक्के बढ़िया गर्दी कम कर दो चलो इसलिए तो हम लोग तो भाटिया रिकॉर्ड लेके आए सर।